दोस्तों स्टार मेकर पे एक नया इवेंट आया है फैमिली ओशियन एक्सप्लोरेशन गाइज। यहाँ पे आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे इसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये इवेंट आपके लिए कैसा है और कैसे गाइज आप जो है यहाँ पे इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पे जो इवेंट आपका है 6 डेज, यहाँ पे 10 आवर्स लिखा हुआ है, यानी 7 डेज आपका यहाँ पे इवेंट जो है चलने वाला है। अब इस इवेंट में करना क्या है गाइज वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइज हम इवेंट को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे गाइज आपको एक ओशियन देखने को मिल जाएगा जिसमें कई सारे फिशेज आपको देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे सिंपली करना क्या है, आपको गोता लगाना है यानी डाइव करना है। अब जब भी गाइज आप यहाँ पे डाइव करेंगे तो यहाँ पे डाइव करने में आपका यहाँ पे गाइज लिखा हुआ है कि 10 मीटर डाइव करने के लिए एक कॉइन आपको चाहिए वन टाइम। ठीक है, वन टाइम आप डाइव करेंगे 10 मीटर तो यहाँ पे एक कॉइन आपको देना पड़ेगा। ऐसे ही वन टाइम आप जो है 20 मीटर डाइव करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 कॉइन देना पड़ेगा। अगर वन टाइम आप यहाँ पे 50 मीटर जो है डाइव करेंगे अंदर तक, तो यहाँ पे गाइज आपको जो है 5 कॉइन जो है देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे गाइज जो है ये डाइव करने में अलग अलग मीटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें अलग अलग कॉइन आपको देना पड़ेगा जितना ज़्यादा आप डाइव करेंगे। अब यहाँ पे अगर 50 मीटर जो है गाइज, अगर आप जो है 10 टाइम डाइव करते हैं यानी 10 टाइम्स आप जो है 50 मीटर डाइव करते हैं तो 50 कॉइन्स देना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे 100 टाइम्स जो है अगर 50 मीटर डाइव करते हैं तो 500 कॉइन्स देना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे अगर 20 मीटर जो है यहाँ पे आप 10 टाइम्स डाइव करते हैं वन टाइम डाइव करते हैं तो 2 कॉइन्स देना पड़ेगा। ऐसे ही गाइज यहाँ पे अगर आप 10 मीटर डाइव करते हैं वन टाइम तो 1 कॉइन, और 10 मीटर करते हैं 10 टाइम्स करते हैं तो यहाँ पे 10 कॉइन्स देने पड़ेंगे। यहाँ पे गाइज अगर आप डाइव करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे जितने मीटर डाइव करते हैं इससे आपका बेनिफिट क्या है, तो गाइज यहाँ पे जितने जितने मीटर आप डाइव करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी लेवल इंक्रीज होगी। जैसे यहाँ पे अगर आप 100 मीटर टोटल डाइव कर लेते हैं तो यहाँ पे लेवल 1 में आप पहुंच जाएंगे और लेवल 1 में ये सारे रिवार्ड है। ऐसे ही लेवल 2 के लिए भी कुछ क्राइटेरिया होगा कि इतने मीटर आपको डाइव करना पड़ेगा तो आप लेवल 2 में पहुंचेंगे, तो लेवल 2 में पहुंचेंगे तो ये सारे रिवार्ड है, लेवल 3 में पहुंचेंगे तो ये सारे रिवार्ड है, लेवल 4 में पहुंचेंगे तो ये सारे रिवार्ड है। तो यहाँ पे अलग अलग लेवल में आपको अलग अलग रिवार्ड मिल जाएंगे। बस ये आपको यहाँ पे डाइव करते रहना है और जितने ज्यादा मीटर आपके इंक्रीज हो गए डाइविंग के उतने ज्यादा आपको रिवार्ड मिलेंगे। अब डाइव आप करेंगे तो यहाँ पे डाइव करने में और भी आपको रिवार्ड मिलने वाले हैं। यहाँ पे गाइज हर एक जो है आपको फिश पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हर एक यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग फिशेज हैं। यहाँ पे जैसे ये वाला शीशल है और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको व्हेल देखने को मिल जाएगी, क्लो फिश देखने को मिल जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पे गाइज ऑक्टोपस देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे जैसे व्हेल पे आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 30 पॉइंट्स आपको मिलेगा। ऐसे ही गाइज यहाँ पे हर एक फिश पे अलग अलग पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट्स से क्या होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। ऑक्टोपस पे आपका -5 पॉइंट है, यानी माइनस आपका यहाँ पे पॉइंट्स माइनस हो जाएगा, तो ऑक्टोपस आपके लिए सही नहीं है। अब ये जो पॉइंट्स आपको ऊपर देखने को मिल रहा है गाइज, इन्हीं पॉइंट्स के हिसाब से आपकी रैंकिंग होगी और रैंकिंग में आपको कॉइन्स का जो है प्रोपोर्शन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 20 स्टार जो है टोटल हो चुका है। अब रैंकिंग में कैसे प्रोपोर्शन मिलेगा कॉइन का वो गाइस मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ और कैसे आप जो यहाँ पे रिवार्ड पा सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं जैसे ही गाइस आप जो यहाँ पे डेली रैंकिंग आपकी होने वाली है, आप जो भी यहाँ पे पॉइंट्स पाएंगे उसी के हिसाब से, और यहाँ पे टॉप 10 की रैंकिंग होगी। तो यहाँ पे गाइज जितना भी कॉइन्स जो है इस इवेंट में कंज्यूम होगा उसका 1 जो है यहाँ पे नंबर 1 पे जो आएगा उसका 20% उसे मिलेगा। अगर नंबर 2 से 3 की रैंकिंग पे आएगा तो 15%, नंबर 4 से 6 की रैंकिंग पे आएगा तो 10%, और 7 से 10 की रैंकिंग पे वो आएगा कोई तो 5% कॉइन का टोटल कॉइन का जो है हिस्सा मिलने वाला है। ठीक है, जितना भी कॉइन कंज्यूम होगा और टोटल कॉइन्स का हिस्सा मिलने वाला है। अब ये जो पॉइंट्स मिलते हैं गाइज, इसको जो पॉइंट्स बोलते हैं ये है सी क्रिएचर पॉइंट। यहाँ दोस्तों सी क्रिएचर पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और इसी पॉइंट्स के जरिए आपकी रैंकिंग होने वाली है। तो ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा आप मीटर अंदर डाइव करेंगे उतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, और 50 मीटर के बाद जब आप डाइव करेंगे तो आपका व्हेल वाला पॉइंट भी आपको मिल सकता है जो कि 30 पॉइंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस इन्हीं पॉइंट्स के हिसाब से आपकी रैंकिंग होगी और इसी हिसाब से आपको जो है रिवार्ड मिलने वाले हैं। तो यही कुछ इवेंट है और यहाँ पे एक रूल और भी है, यहाँ पे डुअल पॉइंट भी आपको मिलने वाले हैं। जब भी आप जो यहाँ पे देखिए कुछ टाइमिंग दिया हुआ है 4 घंटे 25 मिनट दिख रहा है, इस टाइम के बाद में 1 घंटे के लिए, ये टाइम जब खत्म होगा तो 1 घंटे के लिए गाइज आपको डुअल पॉइंट मिलेगा। जैसे जहाँ पे 5 मिल रहा है वहाँ पे 10 मिलेगा, जहाँ पे 25 पॉइंट मिल रहा है वहाँ पे 50 पॉइंट मिलेगा। तो डुअल पॉइंट मिलेगा एक जो है यहाँ पे टाइम पीरियड में, यानी 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पे ऊपर जो टाइमिंग चल रही है, सेकंड चल रहा है काउंटडाउन, इस काउंटडाउन के बाद में गाइज आपको ये सारा जो है रिवार्ड यानी डुअल पॉइंट्स जो है देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इवेंट था गाइज, उम्मीद करता हूँ अभी आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई सा भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में था इतना ही, मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।